ओके गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट MCO 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है इन ऑर्डर टू ग्रो द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूअसली देयर इज नीड फॉर कीपिंग इंडिविजुअल्स ग्रोइंग. डिस्कस एंड एक्सप्लेन द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? देखो, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर को देने के पहले, ठीक है? क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन अगर दिमाग में रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर को लिख पाओगे. समटाइम्स ऐसा होता है कि आंसर याद नहीं आ रहा होता, ठीक है ना? तो क्वेश्चन अगर आप बार बार रिपीट करते हो, उसको पढ़ते हो, तो आपको लाइक एक आइडिया हो जाता है कि क्या पूछने की कोशिश की जा रही है, और अकॉर्डिंगली आप उसको बना बना करके लिखने की कोशिश करते हो, ठीक है? सारी चीजें एक बार में दिमाग में आ जाए जरूरी नहीं है, तो उस केस में क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करने के पीछे, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स ग्रोइंग किस तरीके से मैटर करती है, इंडिविजुअल्स ग्रोइंग क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाने के लिए, तो उसके बारे में हमारा ये टॉपिक. और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि डिस्कस एंड एक्सप्लेन द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, ठीक है? एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है कि वो कैसा सोचता है इंडिविजुअल के बारे में, या एज ए इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, उनकी क्या क्या पर्सपेक्टिव होनी चाहिए, वो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, ठीक है? तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसको करते हैं. थोड़ा हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ. ओके देन, सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज एज गुड एज इट्स पीपल, ठीक है? बहुत ही फेमस लाइन है और बहुत ही कॉमन लाइन है. एक ऑर्गेनाइजेशन उतनी बेहतर होती है जितने कि वहां के लोग होते हैं. जैसे वहां के लोग होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन भी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है? फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो कॉन्टिन्यूअसली देर इज नीड फॉर कीपिंग एन इंडिविजुअल्स ग्रोइंग थ्रू फॉलोइंग मेजर्स, ठीक है? यहाँ पे पहले लाइन में ही आंसर बोल दिया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाने के लिए ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंडिविजुअल्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका किस तरीके से हो रही है चीजें, वो किस तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं, क्या उनको वो सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है जॉब के साथ कि नहीं मिल पा रहा, क्या उनकी कॉन्टिन्यूअस लर्निंग हो रही है. मैं पॉइंट्स के माध्यम से एक एक करके पहले बताता चलता हूँ. देखो, तो किस चीज पे हम मेजर करेंगे? हम मेजर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, वेदर दे आर लर्निंग समथिंग डिफरेंट और नॉट, क्या वो सीख रहे हैं कुछ अलग, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, ठीक है? दूसरा है क्रिएटिंग राइट परसेप्शन, ठीक है? उनके दिमाग में भी एक परसेप्शन तैयार होता है किसी भी चीज को लेकर के, तो वो राइट परसेप्शन तैयार होना चाहिए. तीसरा पॉइंट है बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज. ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अगर वो काम कर रही है तो लोगों के अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज क्रिएट करे, ताकि वो अपनी कंपनी को इफिशियंटली इफेक्टिवली काम कर पाए, जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन और उस बंदे दोनों को होगा, ठीक है? चौथा पॉइंट हैविंग पर्सनालिटी एंड इमोशंस कंपैटिबिलिटी एट वर्क प्लेस, ठीक है? तो आपकी एक पर्सनालिटी वर्क में होनी चाहिए, आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा. पर्सनालिटी का सिंपल सा मतलब है कि आपको अपने काम को लेकर के प्रोफेशनल होना पड़ेगा, ठीक है? बट एट द सेम टाइम इमोशंस कंपैटिबल भी होना चाहिए. अब कोई बंदा उसमें इमोशंस ही नहीं है, कोई उसे छुट्टी मांगे जा रहा है, वो बंदा सामने से छुट्टी नहीं दे रहा है ना, या कुछ भी करने के लिए जो है उसको परमिशन नहीं मिल रही है, ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए. आपको जो है इमोशंस के साथ अपनी प्रोफेशनलिज्म को एक बैलेंस करके आपको वर्क प्लेस में चलना होगा, तभी चीजें जो है वो ठीक तरीके से हो पाएंगी, ठीक है? आई गेस ये पांचवा पॉइंट है. हाँ, सो मेंटेनिंग स्ट्रेस फ्री इंडिविजुअल्स एंड एनवायरनमेंट. तो जो आपको एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए. बंदे आपस में बात कर रहे हैं, किसी भी तरह की, देखो जब चीजें आपस में लोग शेयर करते हैं तो उनका स्ट्रेस ऐसे भी चला जाता है, ठीक है ना? तो वो एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट वहां देना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए. और ये तभी पॉसिबल है जब आप इंडिविजुअल लेवल पे जो भी आपके वहां पे वर्कर्स हैं, आप उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा पाओगे, ठीक है? आखिरी पॉइंट है कीपिंग इंडिविजुअल्स एंड टीम्स मोटिवेटेड एंड प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फेक्शन. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको अपने टीम को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा कि भाई आज ये टारगेट पूरा करना है, कल वो टारगेट पूरा करना है, और जो टारगेट पूरा करेगा उसको ये मिलेगा, उसको वो मिलेगा, इस तरीके से करके उनको मोटिवेट करना है, ठीक है? दुनिया में कहावत है कि सबसे बड़ा मोटिवेटर जो होता है वो पैसा होता है. अगर आप किसी को सैलरी बढ़ा दे रहे हो अच्छा काम करने के लिए, तो उससे बड़ा मोटिवेशन उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो मोटिवेट करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है. लोग सेमिनार कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं. उससे अच्छा है कि इससे अच्छा, थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दो उनकी, एक दो छुट्टी दे दो एक्स्ट्रा, तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाएंगे किसी भी काम को लेकर के, ठीक है? एंड प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फेक्शन. जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जॉब सेटिस्फेक्शन आती है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, उनकी सैलरी कितनी है, उनको एनवायरमेंट कैसा मिल रहा है, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है. तो ये सारी की सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू ग्रो इंडिविजुअल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, ठीक है? अब एक एक करके पॉइंट्स को समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा. चलो फिर.
सो देयर आर मेनी वेज थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न्स. लर्निंग इज एन इंपॉर्टेंट परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. ठीक है, तो दो यहाँ पे लाइनें हो गई. देखो, तो यहाँ पे जो बात बोली जा रही है वो ये है कि जो इंडिविजुअल की जो लर्निंग होती है वो बहुत ही जरूरी होती है और वो हर एक तरीके से हो सकता है. ठीक है ना, देयर आर मेनी वेज, बहुत तरीके से जो है इंडिविजुअल्स लर्न कर सकते हैं. और लर्निंग जो होती है वो एक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होती है. जब हमें कुछ पता चलता है कि इस काम को ये करने का तरीका है, जैसे बहुत सारी चीजें हमें पता है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है पर कैसे यूज करते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम सीख जाते हैं कि उस प्रोडक्ट को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है तो हमारे बिहेवियर में बदलाव आ जाता है. हम कोशिश करते हैं कि उस काम को वैसे ही करेंगे. कोशिश क्या करते हैं, हम उस काम को सही तरीके से करने लगते हैं. लेकिन जब हमारे पास लर्निंग नहीं थी, जब हमारे पास नॉलेज नहीं था, तो उस प्रोडक्ट को हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे. तो लर्निंग जो होती है वो एक परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है और ये एक बिहेवियरल पोटेंशियल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. और ये चीजें जो है वो आपके बिहेवियर में भी दिखने लगती हैं और आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी और बेहतरीन होने लगता है. ठीक है ना, रिजल्ट जो है एक्सपीरियंस का वो भी और अच्छा होने लगता है. सो इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्रमोट दैट बिहेवियर. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव होने के लिए ये बिहेवियर को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. विच आर द फंक्शनल एंड नीड टू डिस्कस दैट बिहेवियर विच आर डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमेंटल टू इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना, तो आपको एक तरीके से इनकरेज करना है यहाँ पे. आई डोंट नो विच आर द फंक्शन नीड टू डिस्करेज दैट बिहेवियर. अब देखो यहाँ पे डिस्करेज जो यहाँ पे करने की बात की जा रही है, एक तरीके से जो बैड बिहेवियर्स होते हैं या फिर जो बैड लर्निंग होती है उनको शायद डिस्करेज करने की बात की जा रही है, या फिर आई डोंट नो यहाँ पे कुछ शायद मिस्टेक हुआ है किसी किस्म का, जो भी हो. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए जो अच्छा बिहेवियर होता है, आई मीन जो चीजें आप सीख रहे हो उसी चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपके बिहेवियर में नजर आ रहा है, तो वो अगर चीजें हैं तो वो तो आप वहां पे इंकरेज करोगे ही, उसमें डिस्करेज करने वाली कोई बात नहीं हो रही है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप सीखते हो लेकिन उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए. सीखते हो इन द सेंस अगर एनवायरमेंट बहुत ज्यादा टॉक्सिक है तो क्या होगा, आप भी थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी जो है आपके अंदर भी आ जाएगी, तो इस तरह का तो आपका बिहेवियर भी चेंज होने लगेगा. तो उस चीज के कारण से ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना बिहेवियर में बदलाव नहीं लाना है, उसको डिस्करेज करना है. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमें याद रखना होगा जब भी हम बात करेंगे इंडिविजुअल्स और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो करने के पीछे. दूसरा है क्रिएटिंग राइट परसेप्शन. ठीक है, तो राइट परसेप्शन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल में. जैसे कि बाहर से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी लग रही है, हम किस बेसिस पे बोलेंगे कि वो अच्छी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैलेंस शीट एंड ऑल. तो उसके बेसिस पे हमारा एक परसेप्शन क्रिएट होगा कि ये कंपनी जो है बहुत अच्छी है, अच्छे से परफॉर्म कर रही है. तो उसी तरीके से जो काम कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स, उनका भी परसेप्शन एक बनता है कंपनी को लेकर के कि वो कैसा है वगैरह वगैरह. तो आपका जो परसेप्शन है वो राइट क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रो करने के लिए. ठीक है, सो परसेप्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी सेलेक्ट ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इनपुट फ्रॉम आवर सेंसरी रिसेप्टर्स. सेंसरी रिसेप्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है, हमारे जो 5 सेंसर्स हैं है ना, उनके बारे में बात की जा रही है कि जो परसेप्शन है वो एक प्रोसेस है जो कि जहाँ पे कि हम सेलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, या फिर उसका जो इनपुट है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है, सबका बिहेवियर वहाँ कैसा है. तो हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स है, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है आईज, थॉट, साइट, ईयर्स फॉर ऑडिशन, ऑडिशन ऑडिशन थ्रू ऑडिशन, नोज थ्रू स्मेल. तो ये सारी चीजें हैं जिसके जरिए हम ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक तरीके से उनको जज करने के लिए चीजें हमारे पास आने लगती हैं. इन सब से हमें फील होने लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा है, या कोई बंदा जो है कैसा है. वो कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स आना, तो ये वाइब्स की बात की जा रही है. आप यहाँ पे किसी को बोल नहीं रहे हो बट आपको वाइब्स आ रही है कि भाई कैसा है. ठीक है, तो राइट परसेप्शन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो योर 5 सेंसर्स आर, हमें पता है आईज थॉट थ्रू साइट है ना, देख करके हमें आईज के जरिए हमें देखने को मिलता है, ईयर्स के जरिए हमें सुनने को मिलता है, नोज के जरिए हमें स्मेल करने को मिलता है, माउथ एंड टंग थ्रू टेस्ट एंड स्किन थ्रू टच आर कॉन्टिन्यूसली गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर सराउंडिंग्स है ना. तो जो आसपास की सराउंडिंग होती है वहां से हमें इन्फॉर्मेशन सारी पता चलती रहती है ऑन विद आर सेंसरी रिसेप्टर्स जो है. ठीक है, नाउ इट इज योर परसेप्शन व्हिच गिव्स मीनिंग टू वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन दोज यू गैदर. ठीक है, तो ये आपका परसेप्शन ही है. ये जो चीजें आपको मिल रही हैं, ये जो आप 5 रिसेप्टर्स अभी बताया गया, इनके जरिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं. तो ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही आपका जो है परसेप्शन क्रिएट होगा किसी भी चीज को लेकर के कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कैसे काम कर रहा है नॉट. ठीक है, द फील्ड ऑफ ओबी, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प्स अस टू क्रिएट राइट परसेप्शन विच इज प्री रिक्विजिट फॉर वर्किंग इफेक्टिवली विद द पीपल. तो ओबी जो होता है वो हेल्प करता है क्रिएट करने में राइट परसेप्शन, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. क्योंकि जिन लोगों के साथ हम काम करने वाले हैं
उनका प्रति अगर हमारा परसेप्शन क्लियर नहीं होगा, परसेप्शन अगर सही नहीं होगा, तो हम उनके साथ इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया होता है, आप बोल सकते हो कि और ओबी जो है इस काम में हेल्प करता है कि हमारा जो परसेप्शन है वो राइट क्रिएट हो किसी भी चीज को लेकर के, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी ओबी बहुत एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप करने में, है ना। एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड होता है लाइक जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, या फिर जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसके कारण से हमारा एटीट्यूड तैयार होता है। अगर किसी आदमी के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है तो उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, मतलब हो नहीं सकता, मतलब ऐसा नहीं है लाइक कई लोग बहुत ही लाइक ऑप्टिमिस्टिक होते हैं काम को लेकर के, तो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव ही रहता है, किसी भी चीज में वो लोग पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। बट मैं इन जनरल अगर बोलूं तो आसपास का जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो उस चीज में भी लाइक वो भी हेल्प करता है कि भाई इन्वायरमेंट अगर गलत भी है तो भी आपको पॉजिटिव होना, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई लोग तो पैदाइशी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बट मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ किसी भी चीज को लेकर के, भले कुछ हो ना हो लेकिन मैं कोशिश करते रहता हूँ, ठीक है। तो वो चीज होनी चाहिए, ठीक है ना, वो जुझारूपन होना चाहिए कि नहीं मुझे ये काम करना है, भले ही मुझे सफलता नहीं मिल रही हो बट यू विल स्टिल हैव टू ट्राई, ओके। बिकॉज अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो वो तो अचीव कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। सो बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज, सो एटीट्यूड्स आर लास्टिंग इवैल्यूएशंस ऑफ पीपल ग्रुप्स ऑब्जेक्टिव्स और इश्यूज, इनफैक्ट ऑफ वर्चुअली एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल और फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो एटीट्यूड्स क्या होता है? ये लास्टिंग इवैल्यूएशंस होते हैं, इवैल्यूएशंस मतलब जब एग्जाम देते हैं उसके बाद इवैल्यूएट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो भी लोग आपके साथ रह रहे हैं, जिन भी ग्रुप्स में आप रह रहे हो, जिन भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ है उनके बेसिस पे आपका जो है एटीट्यूड तैयार होता है, जो कि लास्टिंग इवैल्यूएशन होता है, मतलब सारी चीजों को लाइक इवैल्यूएट करने के बाद आपका जो है एटीट्यूड तैयार हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ग्रुप या इन सब से हो रही है, आपके सोशल या फिर जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे भी ये होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप जिस तरीके से एक्टिव रहते हो उसके कारण से भी आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज वहां पे भी लाइक ग्रुप्स हैं, वहां पे भी लोग हैं, वहां पे भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इफेक्टिव रिलेशनशिप, अच्छा ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है किसी भी इफेक्टिव रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी यहाँ पे रिलेशनशिप में लाइक हर एक तरह के रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, लेकिन ये चीजें जो है बाकी सारे रिलेशनशिप में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा, ठीक है ना। वैल्यूज आर द बेसिक कन्विक्शंस दैट अ स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज पर्सनली और सोशली प्रेफरेबल टू एन ऑपोजिट और एडवर्स मोड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। देखो वैल्यू क्या होता है, वैल्यू का मतलब है कि लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे फीस पे कर रहे हो, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप मुझे फीस पे कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको ठीक तरीके से ना पढ़ाऊं या अगर मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर ना करूं तो क्या मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ? पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन वैल्यू ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको अगर लाइक वो आउटकम नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हो, तो वो वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू मतलब यहाँ पे उसी तरीके से बोला जा रहा है कि वैल्यू जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी लाइक बंदे के लिए, कि वो जो काम कर रहा है वो वैल्यू करता है, वो मैटर करता है उस जो भी लाइक ओबी है, आई मीन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए वो मैटर करता है कि नहीं, ठीक है। वो एडवर्स मोड में हो सकता है, लाइक चीजें जो है वो लाइक नेगेटिव में है फिर भी आप लाइक उसके लिए काम कर रहे हो, है ना। इस तरीके से मतलब ये वैल्यू करना चाहिए, वैल्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने काम को लेकर के। अगर आप वैल्यू नहीं करोगे तो लाइक पॉसिबल नहीं है इंडिविजुअल का भी ग्रो कर पाना और ना ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रो कर पाना, ठीक है। हैविंग पर्सनालिटी एंड इमोशंस कंपैटिबिलिटी एट वर्क, ठीक है। तो आपका जो पर्सनालिटी है वो होना इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम इमोशंस कंपैटिबिलिटी भी होना उतना ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है, ठीक है, कि आप कितने प्रोफेशनल हो अपने काम को लेकर के, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव सम इमोशंस टू, बिकॉज अगर जरूरत पड़े तो वहां पे वो चीज दिखानी चाहिए। सो पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल्स यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर थॉट्स एंड फीलिंग्स, बहुत अच्छे तरीके से बोला गया है। पर्सनैलिटी क्या होता है? एक इंडिविजुअल का यूनिक जो उसका जो पैटर्न है, रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका थॉट्स है, जो उसका फीलिंग्स है, और ये तैयार होता है लाइक धीरे धीरे, ये चीजें जो है धीरे धीरे तैयार होती है। अगर कोई आदमी बहुत ही ज्यादा बन ठन के आ रहा है अपने काम को लेकर के, बहुत फोकस्ड है उस काम में, अच्छे तरीके से काम कर रहा है अपने कामों को, तो वो एक तरीके से बोल सकते हो कि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। कई लोग प्रोफेशनल नहीं भी होते हैं, लाइक उनका काम प्रोफेशनल होता है लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस वगैरह थोड़ा डिफरेंट होता है,
बट उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे पर्सनालिटी समझ में आती है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, वो थोड़ा सा कैजुअल है, अपने काम को लेकर के प्रोफेशनल है, लेकिन खुद को लेकर के थोड़ा सा कैजुअल है, आप ऐसा बोल सकते हो। बट मेरे मेरे हिसाब से किसी भी ऑनरशिप में लाइक प्रोफेशनलिज्म का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लाइक दोनों चीजें मेंटेन करके चलनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपको इमोशंस भी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, सो देर इज नीड इन ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट हाई राइट कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड जॉब्स सो दैट फुल पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी यूटिलाइज्ड। ये लाइन बहुत अच्छी बोली गई है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पर्सन और जॉब का जो कॉम्बिनेशन है वो सही होना चाहिए। आपने एक ऐसे बंदे को ऐसा काम दे दिया जिस काम में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो बंदा काम छोड़ के भाग जाने वाला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर्सन को समझो, उसकी जो जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है, या फिर जो भी उसका मतलब चीजें उसके पास है, नॉलेज उसके पास है, उसके बेसिस पे आप उसको काम दो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ही आप वो जो है फुल पोटेंशियल के साथ काम कर पाएगा, और उसका भी फुल पोटेंशियल इस्तेमाल हो पाएगा, और उसका बेनिफिट आपको भी होगा और उस बंदे को भी होगा। तो राइट कॉम्बिनेशन होना बिटवीन दीज टू थिंग्स, आई मीन पर्सन एंड द जॉब, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्क पर्सनैलिटी कैन ऑल्सो भी डेवलप। अब जैसा काम होगा आपकी पर्सनैलिटी भी उसी तरीके से डेवलप होगी। अब कोई मैनेजर है तो मैनेजर वाला बंदा तो कैजुअल वेयर पहन के नहीं जा सकता ना, जीन्स पहन के तो नहीं जाएगा, वो तो सूट बूट ही पहनेगा, है ना। तो जैसा भी आपका काम होगा पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप होती है धीरे धीरे। ठीक है ना, तो ये चीजें हो गई। इमोशंस आर रिएक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट्स, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर। बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया गया। कॉग्निटिव स्टेट्स का क्या होता है कि कॉग्निटिव का मतलब हो गया आपकी जो लर्निंग हो रही होती है, जो भी आपके आसपास में चीजें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप सीख रहे हो बहुत सारी चीजें। ठीक है ना, तो वो चीज यहाँ पे लाइक कॉग्निटिव स्टेट्स के बारे में बोला आ रहा है। साइकोलॉजिकल रिएक्शन, जब आपसे कोई बदतमीजी से बात करेगा तो आपका साइकोलॉजिकल रिएक्शन क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा। अब अगर आपका बॉस आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है तो आप उससे लाइक बदतमीजी से बात नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका बॉस है, बट कई लोग उस पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आपका साइकोलॉजिकल, आपका दिमागी रूप पे आपका रिएक्शन कैसा है, ठीक है ना। एंड आपका एक्सप्रेसिव बिहेवियर, आप जब कोई बात किसी को समझा रहे हो तो आपका एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, आप किस तरीके से समझाओगे, है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है वो इमोशंस का हिस्सा है। आपका इमोशन लाइक बहुत सारे लोग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, जब भी डांट सुनते हैं तो वो रोने लगते हैं, या फिर जब कुछ समझाते हैं कुछ लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो उनका बिहेवियर जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव, आप बोल सकते हो कि थोड़े इमोशनल एक्सप्रेसिव होते हैं, जिसके कारण से उनका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो इमोशंस एक्चुअली ये सारे चीजों का रिएक्शन होता है। ठीक है ना, कि आप लाइक साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। कॉग्निशन इज द मेंटल एक्टिविटी, ये देखो कॉग्निशन इज द मेंटल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद थॉट नॉलेज एंड मेमोरी। ठीक है, तो कॉग्निशन यहाँ पे जो कॉग्निटिव स्टेट्स के बारे में मैंने बताया, तो ये मेंटल एक्टिविटी है जो कि एसोसिएटेड होता है आपके थॉट के साथ, नॉलेज के साथ एंड मेमोरी के साथ। ठीक है, आपके आसपास में क्या चीजें हो रही हैं, आप क्या सोच रहे हो, आपके पास क्या नॉलेज है, उसके बेसिस पे जो है आपका कॉग्निशन स्टेट तैयार होता है कि आप किस चीज के बारे में किस तरीके से सोचोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल है बट इसको आप लिख सकते हो एग्जाम्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और लिखना भी चाहिए, पॉइंट में हमारा इमोशंस है मेंशन। ठीक है, बट अगर याद ना रहे तो इमोशंस हटाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जैसा पॉइंट्स है वैसे ही लिखा जाए। और एग्जाम में आप कोशिश करना कि पॉइंट्स याद रहे, पॉइंट्स याद रहेंगे तो आंसर आप बहुत आसानी से लिख लोगे। पॉइंट्स याद नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट में ही आंसर छुपा हुआ है, पॉइंट में ही वो पूरा का पूरा जो है टॉपिक छुपा हुआ है। नाउ मेंटेनिंग स्ट्रेस फ्री इंडिविजुअल्स एंड एनवायरमेंट, तो ये तो किसी भी ऑडिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो एनवायरमेंट है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो एनवायरमेंट बहुत ही ज्यादा लाइक सही होना चाहिए, सूदिंग लाइक होना चाहिए। अब इतना भी सूदिंग नहीं होना चाहिए कि आदमी सो जाए, तो ऐसा एनवायरमेंट हो कि स्ट्रेस फ्री हो, ज्यादा वर्कलोड नहीं देना है। अगर देना भी है तो भाई अच्छे से बात करो। अगर आप किसी को कोई काम सौंप रहे हो और आपको पता है कि थोड़ा सा टफ वर्क है, स्टिल आप उनसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हो, तेज आवाज में बात कर रहे हो, तो उसको काम करने का मन नहीं करेगा। काम दो, प्यार से बात करो, स्ट्रेस फ्री अगर एनवायरमेंट रहेगा तो डेफिनेटली लोग वहां पर अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे, और अगर इंडिविजुअल्स ग्रो कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो कर पाएगा। ठीक है, सो स्ट्रेस इज अ डायनेमिक कंडीशन। डायनेमिक मतलब क्या हो गया, गत्यात्मक, आते रहता है जाते रहता है, आते रहता है जाते रहता है। सो स्ट्रेस इज अ डायनेमिक कंडीशन इन विच एन इंडिविजुअल इज कन्फ्रंटेड विद अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, जब किसी बंदे को कन्फ्रंट किया जाता है अपॉर्चुनिटी के साथ या कॉन्स्टेंट के साथ, कॉन्स्टेंट मतलब एक तरीके से रुकावट बोल सकते हो, और डिमांड रिलेटेड टू व्हाट ही और शी डिजायर्स, है ना, वो क्या चाहता है, डिमांड रिलेटेड कोई अगर उसके दिमाग में आ रहा है, फॉर विच द आउटकम इज परसीव टू बी बोथ अनसर्टेन एंड इम्पॉर्टेंट।
जिसका आउटकम जो है वो अनसर्टेन भी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। आप चाहते हो कि वो चीजें अच्छे हो लेकिन वैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इन सब चीजों को लाइक मिला करके जो है आपके दिमाग में स्ट्रेस तैयार होता है और वो डायनेमिक होता है। कभी कभी देखना थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस होगा, काम हो जाएगा, स्ट्रेस चला गया। तो स्ट्रेस क्या है? एक डायनेमिक कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल कन्फ्रंट करता है वेरियस अपॉर्चुनिटीज को, कॉन्स्ट्रेंट्स को और डिमांड रिलेटेड कि वो क्या चाहता है कि उस अपॉर्चुनिटी से उसका क्या आउटकम हो। अब जो आउटकम होगा वो अनसर्टेन है तो उसके कारण से जो है स्ट्रेस वगैरह जो है वो तैयार होता है और वो डायनेमिक होता है। ऐसा नहीं कि वो दिन भर रहेगा, वो चला भी जाएगा। सो विद ग्रोइंग कॉम्पिटिशन एंड सर्वाइवल, जिस तरीके से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है एंड सर्वाइवल करना बहुत जरूरी है एंड एक्सलेंस बिकमिंग टफर, स्ट्रेस इज द मैनेजेरियल डिसकम्फर्ट ऑफ मॉडर्न एरा। तो अभी के टाइम पे अगर बोला जाए ना तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम पे काम इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेस को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। कई लोग तो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो इतना स्ट्रेस क्या ले लेना, ठीक है ना। तो ग्रोइंग कॉम्पिटिशन, अभी के टाइम पे जो कॉम्पिटिशन जिस तरीके से ग्रो कर रहा है और ये बहुत जरूरी है कि कॉम्पिटिशन में आप बने रहो, सर्वाइवल जरूरी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप स्ट्रेस लोगे। लेकिन इस स्ट्रेस को मैनेज करना ही अभी के टाइम पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इस मॉडर्न एरा में मैनेजरियल डिस्कम्फर्ट, लाइक स्ट्रेस इज द मैनेजरियल डिस्कम्फर्ट बुलाया जा रहा है। स्ट्रेस जो है एक मैनेजरियल डिस्कम्फर्ट है जिसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर मैनेज नहीं किया जाएगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती है। आप अगर परेशान हो जाओगे, आप काम नहीं करोगे तो आपका भी काम खत्म और ऑर्गेनाइजेशन का भी काम खत्म, तो ऐसे होगा। आखिरी पॉइंट है कीपिंग इंडिविजुअल्स एंड टीम्स मोटिवेटेड एंड प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ये तो मैंने जैसा कि आपको बताया, जॉब सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब उसकी डिमांड चीजें पूरी होंगी। मेरे लिए जॉब सेटिस्फैक्शन तब पूरा होगा जब मेरी डिमांड्स पूरी हो। मेरी डिमांड्स हैं कि काम मैं 8 घंटे करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। मेरी डिमांड्स हैं कि मुझे सैलरी टाइम पे चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरी डिमांड्स है कि मुझे सैलरी जो है थोड़ी सी ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं काम ज्यादा कर रहा हूँ। तो इस तरह की ना एक इंडिविजुअल आपका जो है एक डिमांड क्रिएट होता है, तो उनको पूरा करना ही लाइक एक तरीके से जॉब सेटिस्फैक्शन है। अगर आपको सही टाइम पे सैलरी नहीं मिलेगी, आप काम किए जा रहे हो, 15 दिन बाद आपको सैलरी मिल रही है, तो ना ही आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा और ना ही आप काम के लिए मोटिवेटेड रहोगे। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है कि कीपिंग इंडिविजुअल्स एंड टीम्स मोटिवेटेड एंड प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट अ कंपनी नीड्स टू फोकस ऑन। ठीक है, कंपनी को फोकस करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मोटिवेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज परहैप्स ओ मोटिवेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनटेंजिबल सोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मोटिवेशन एक तरीके से बोला जा सकता है कि इनटेंजिबल सोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। मोटिवेशन हमें दिखाई नहीं देता पर वो काम करता है, इसीलिए वो एक इनटेंजिबल बोला जा रहा है। इनटेंजिबल मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत ही, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर मोटिवेटेड बंदा रहेगा तो वो काम को, 1 घंटे का काम को वो हो सकता है कि आधे घंटे में कर ले, पर अगर वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो वो 1 घंटे के काम को पूरे दिन में पूरा करेगा। तो मोटिवेशन एक इनटेंजिबल रिसोर्स है लेकिन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंपनीज मोटिवेशन सेमिनार वगैरह कराती हैं और इसके कारण से लाइक उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है वगैरह है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़ा मोटिवेशन कैश होता है। कैश दो, ऑटोमेटिक सारे लोग मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, सो मोटिवेशन इज द इनफर्ड इंटरनल प्रोसेस दैट एक्टिवेट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स बिहेवियर ओवर टाइम। ठीक है, सो मोटिवेशन एक तरीके से इनवर्ड इंटरनल प्रोसेस होता है जो कि एक्टिवेट करता है किसी भी बंदे को। लाइक अचानक से हमें मैं तैयार हो गया किस काम को करने के लिए, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आया ना, अंदर से मोटिवेशन आया कि भाई मुझे ये करना है। ठीक है, कई लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ये अंदर का मतलब एक तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड होना है। और कई लोग लाइक बाहर से लोग बोलेंगे तो मोटिवेट होंगे। मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ, उसको मैं डेली मोटिवेट करता हूँ, वो शाम तक डिमोटिवेट हो जाता है। पता नहीं क्या आज उसकी लाइफ में प्रॉब्लम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसा भी होता है कि जो भी चीजें आसपास में हो रही है उसके कारण से आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो। ठीक है ना, तो उस मोटिवेशन को लाइक अपलिफ्ट करने का काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करती है, और ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि बंदे अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो उनका काम भी बहुत जल्दी जल्दी होता रहेगा। तो दैट इज वाई दे ऑर्गेनाइज सेमिनार्स एंड ऑल, तो ये सारी चीजें वगैरह जो है की जाती है। जॉब सेटिस्फैक्शन इज अ जनरल एटीट्यूड, जॉब सेटिस्फैक्शन इज अ जनरल एटीट्यूड टुवर्ड्स वंस जॉब। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन एक तरीके से एटीट्यूड है कि आपका जो है आपके काम के प्रति जो है वो कैसा, मतलब आपका एटीट्यूड किस तरीके का है, क्या आपको अच्छा लग रहा है काम करके, नहीं अच्छा लग रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड्स। देखो आ गया ना रिवॉर्ड्स। ठीक है, रिवॉर्ड्स यहाँ पे कैश रिवॉर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, कर रहा हूँ। कई बार होता है ना कि लोग कार्य भी लाइक रिवॉर्ड्स एज अ रिवॉर्ड दे देते हैं इंप्लॉइज को क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो रिवॉर्ड्स में कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का गिफ्ट हो सकता है,
कोई हॉलीडे पैकेज दे दिया, आपने सुना होगा हॉलीडे पैकेज वगैरह के बारे में, तो वो सारी चीजें भी होती हैं। तो जॉब सेटिस्फेक्शन में ये सारी चीजें भी आ जाएंगी कि आप लाइक अपने इंप्लॉयज को खुश रखने के लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड्स वर्कर्स रिसीव एंड द अमाउंट दे बिलीव दे शुड रिसीव। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन एक तरीके से डिफरेंस होता है कि आपको रिवॉर्ड में क्या मिल रहा है और आप कितना रिवॉर्ड डिजर्व करते हो। अगर आपको लगेगा कि आप इतना डिजर्व करते हो और आपको मिल आधा रहा है या उससे भी कम रहा है, तो आपको ना ही जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ना ही आप जॉब के लिए मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, ओके देन, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि समझ में आ गया होगा क्या है टॉपिक। कहीं कोई दिक्कत? दिप्ति एंड शाओमी पैड 5, सॉरी दिप्ति, दिप्ति आपने नाम क्यों नहीं चेंज करा इसका? सर दीप्ति, समझ में आ गया टॉपिक? सर ओके, रिद्धि आपने शाओमी पैड 5 लिखा हुआ है ना, हाँ सर चेंज नहीं करा आपने? खैर कोई नहीं, तो टॉपिक आई होप कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर ओके ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड है तो मैं इसको डाल दूंगा यूट्यूब पे भी और शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और कल वाला वीडियो भी मैंने शेयर कर दिया है तो उसको देख लो आप लोग, तो दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अब जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सबको फटाफट करा दूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है और पेपर्स बहुत ज्यादा है, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस जो हम लोगों ने क्वेश्चंस कराए मैंने कराए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन सब के साथ इन सब को भी आपको करना है, एंड लेट्स होप कि एग्जाम अच्छा जाए। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे बात करो मुझसे, ग्रुप हमारा है ही इंडिविजुअल, तो वहां पे बात नहीं करते हैं। ठीक है, देन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके गाइस, टाटा, बाय बाय देन। बाय सर।